हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राइडिंग पे निकला हूँ। देखता हूँ, एक छोटा सा राइड माइक टेस्टिंग के लिए। यह है रानी झील स्प्रिंगफील्ड, लेफ्ट साइड रानी झील, राइट साइड देखते हैं। प्रकृति की गोद में कैसा आनंद मिलता है। ये देवदार के पेड़, अभी जल्दी ही यहाँ पे चिनार के पेड़ की प्लांटेशन कर दी गई है। और ये तार के बाड़ आप देख सकते हैं, जिसमें तार के बाड़ के अंदर चिनार के पेड़ लगा दिए गए हैं। और सेफ्टी के साथ इसे घेर भी दिया गया है चारों तरफ से। ये यहाँ पे एक छोटी सी धारा है जहाँ से लोग पानी ले आते हैं। ये कुछ कॉलोनी बनी हुई है जहाँ पे लोग रहते हैं। और शुद्ध हवा, प्रकृति की गोद में लोग यहाँ लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काठ गोदाम से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ की, और लगभग 90 किलोमीटर के आसपास आप चल करके रानीखेत जैसे पर्यटक स्थल का आप आनंद उठा सकते हैं। पहली बार आपको रानी झील, अगर जिन लोगों ने, दोस्तों ने देखा होगा, इस बार रानी झील का दर्शन आपको झील में पानी भी है। ऐसा कभी कभार ही होता है। पिछले 6-7 साल पहले रानी झील की सफाई हुई थी, और इस बार आप देख सकते हैं ये झील बिल्कुल खाली है, पानी पूरा साफ कर दिया गया है। और इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट आ गई है बारिश की वजह से, वो सिल्ट की सफाई होगी, उसके बाद ही इसमें फिर से पानी, नेचुरल पानी भरा जाएगा। तो ये मतलब बिल्कुल अद्भुत है, ऐसा कई सालों बाद आपको देखने मिलेगा कि रानी झील में पानी ना हो। और यहाँ पे लोग, आप देख सकते हैं, ये बोट्स वगैरह पड़ी हुई है, जम्पिंग बॉल, वाटर रोलर, सारी व्यवस्थाएँ थी यहाँ पे, आप कुछ शायद देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर। और ये साइड में रास्ता बनाया जा रहा है काट करके, जिसमें जेसीबी आने का प्रयास करेगी और इस पूरे जो है सिल्ट की सफाई करेगी। फिर इसके बाद इसमें कुछ और भी काम होना है, क्योंकि पिछली बार टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए। अब देखते हैं आगे, यहाँ पे टॉयलेट्स भी बना दिए गए हैं, बायो टॉयलेट्स बन गए हैं, नई नई फैसिलिटीज आ गई है। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो इसमें पानी आता है, ये पहले बारिश का पानी सीधे आ जाता था, तो इसमें दीवार बन गई है। अगर आपने नहीं देखा होगा, दीवार बनने से पानी छन के आएगा। ट्यूबवेल है, एक नया ट्यूबवेल भी लग गया है, जो पानी जेसीबी काम करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। ये रानी झील का फोटो आप देख, गेट है, ये ताला बंद है क्योंकि टूरिस्ट सीजन नहीं है, झील खाली हो चुकी है पूरा। और चारों ओर तार के बाड़ लगा दिए गए हैं। इसका मेन कारण ये है कि कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं यहाँ पर, लोग सुसाइड पॉइंट भी बना लेते हैं, पानी भरा है, डूबना, अंदर जाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये चारों ओर से तार के बाहर से घेर दिया गया है, और बोट जो है ऊपर पड़ी हुई है। एक बार फिर से आप देखें इसको कैसा लग रहा है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारे दो स्टूडेंट जा रहे हैं वो।
हेलो बोलो हेलो ये ट्यूशन पढ़ करके जा रहे हैं अपने घर की ओर देख रहे हैं और थोड़ा सा आपको इस प्रकृति का आनंद दिलाते हैं। ये भी एक गधेरा है जहाँ से पानी आता है इसके अंदर। ये झील की दीवार है जहाँ से पानी रुकता है, रोका जाता है। ये कैंट बोर्ड की सड़क है। कैंट बोर्ड ने अभी 1-1.5 साल पहले ही सड़क को बनाया है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। अब आप एक बार फिर से पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। देखें जरा कैसा है पहाड़ों की आबो हवा। ये ऊपर कनौसा स्कूल है, देख सकते हैं हल्का फुल्का साइड नज़र आ रहा हो। कनौसा में सीढ़ियाँ जाती हैं। ये रानीखेत कैंट बोर्ड बचा होने का पेड़ पौधे जंगल जंगली जानवर बचे होने का एक ही मुख्य कारण है कि कैंट बोर्ड इसकी पूरी हिफाजत करता है। कोई भी गलत तरीके से इसमें अप्रोच नहीं कर सकता, पेड़ पौधे नहीं कर सकता। सो मीन्स ऑल द एनवायरनमेंट। ये APS है, आप APS का दर्शन कर सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल। ये है इस आर्मी पब्लिक स्कूल, बड़ा स्कूल है। ये भी तार से घेरा हुआ। तो हम आपको जंगल की ओर लिए चलते हैं एक बार फिर से। बांज के पेड़, देवदार के, और सबसे बड़ा मुश्किल ये लगता है आप इस रोड से नीचे नहीं जा सकते। कारण क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लीचे जितनी ज़्यादा हैं कि अगर आप थोड़ा सा आप रोड छोड़ के अंदर गए तो सैकड़ों लीचेज, हंड्रेड्स ऑफ लीच आपके पैर में चिपकी हुई मिलेंगी। ये एरिया थोड़ा सा जंगली जानवरों का एरिया है जहाँ पे कई बार हमें लेपर्ड भी मिलता है और हिरन भी दिख जाता है यहाँ पे। तो मीन्स ये एरिया काफ़ी घना है, जंगल से पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे दिन में अकेले में तो लोगों को डर भी लगता है। देखें क्या पता हमारा सौभाग्य कोई जंगली जानवर यहाँ पे दिख जाए। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बहुत रेयरली कोई हमें लेपर्ड या डियर कुछ दिखता है। यहाँ पे हमें दिखा था लेपर्ड, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। कई बार हम यहाँ पे काफल भी खाते हैं इस पेड़ों से, और वो जून का महीना बड़ा आनंददायक होता है। काफल, हिसालू, ये सब जंगली फल यहाँ पे मिल जाते हैं खाने को। तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल एंजॉय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।